पानी की वजह से जंग से ये देखिए ये बक्सा भी ख़राब हो गया। एक बक्सा मैं उस समय बच्चों के पेपर चल रहे थे तो मैंने कपड़े ऐसे ही सुखाया, सब मैंने आपको दिखाया नहीं, टाइम नहीं था, मैंने वीडियो बनाया नहीं। और ये मेरा दूसरा बक्सा है, दूसरे बक्से में कपड़े तो गीले नहीं हुए लेकिन बक्सा देखिए पूरी तरह कितना ख़राब हो गया। ये देखिए जंग पूरा लग गया, ये टूटने के कगार पर आ गया। ये मेरी शादी का बक्सा है, बक्से वैसे चलते नहीं थे उस समय, बस खाली जैसे देने लेने के लिए मम्मी लोग साड़ी वाड़ी रिश्तेदारों में देती थी तो वही ये बक्सा है। बाकी तो मम्मी ने 4 सूटकेस दिए थे जिसमें 3 ख़राब हो गए हैं, 1 बचा है और सब मैंने कबाड़ी वाले को बेच दिया। एक ये बक्सा बचा था उनकी निशानी, वो भी ये देखिए पूरा ख़राब हो गया। बाकी साड़ी आपने देखी ली, ये सब शादी के सिंदूर वगैरह, शादी का सिंदूर रखा भी मेरा, शादी का सिंदूर है, शादी का पर्स है, लोहे का था, सब जंग लग गया पानी की वजह से। ये देखिए शादी की चीज़ अभी भी रखी है मेरी, यहाँ तक कि वो इस पर नेम वाला है, देखिए जो सूटकेस पे नेम लगाते हैं आता है, तो मम्मी ने सफारी का वो दिया था मुझे सूटकेस, तो उसमें ये सब नाम चिपकाने के लिए मिला था, मेरा मेरे हस्बैंड का नाम कुछ कुछ तो मिला के मैंने नाम चिपका दिया था, बाकी स्लिप रखा था अभी भी, लेकिन सब बेकार हो गए। देखिए मम्मी दिल्ली से लेके आई थी मेरे लिए, वो सत्संग जाती थी ना मम्मी मेरी, निरंकारी थी,
वो ससुर वगैरह जाती थी दिल्ली, तो दिल्ली पे चीज़ें, दिल्ली में काफ़ी अच्छी चीज़ें और सस्ती मिल जाती हैं, तो ये लेके आई थी मेरे लिए शादी का पर्स। ये शादी का पर्स कब मैंने संभाल के रखा था, कितना अच्छा इसकी हालत हो गई है, सब बेकार हो गया है। ये शादी में देते नहीं है, लोग आते हैं तो देते हैं दूल्हे को, उस ये सब शीशा सब तो खराब हो गया। अब मैं इसमें दूसरा पेपर बिछाऊंगी, जब तक चलेगा चलाऊंगी, वरना फिर कबाड़ी वाले को जाएगा। ये शादी की मेरी चद्दर है, और सुबह मैंने एक गद्दे का कवर धोया था, इसमें देखिए एक तरफ वाटरप्रूफ है, ये कहने के लिए वाटरप्रूफ है बस, लेकिन गद्दा वो भी ख़राब हुआ। अंदर से जाके देखिए वाटरप्रूफ है, सूखा ही नहीं है, और मैंने इसको 10 टब से धोया है, मैंने इसको 10 टब से, इतना गंदा था। अंदर दिखाओ वाटरप्रूफ है, वाइट वाइट लगा है। कपड़े रख दिए हैं और सब सुखा दिए हैं। उस वाले बक्से का देखिए, उस वाले बक्से का मैंने पहले ही बता दिया था आपको, सुखा दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने वो नहीं दिखाया। बच्चों के पेपर चले थे, आपको बताया, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये मेरे शादी एंड मतलब कि मैरिज और मैरिज एंड एंड हाँ माई मदर एंड गिफ्ट, हाँ ससुर है, इंग्लिश से आती नहीं मुझे, तो ये सब मैंने सुखा के सब तहा धो के रख दिया। पर कोई मेरे दोस्त कुछ ऐसे हैं जिनको मैं बहुत लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ, जैसे कि प्लॉय पॉडी, ठीक, प्लॉय पॉडी एंड क्यूट सिस्टर, माई क्यूट सिस्टर है, नॉट एक्टिव, नो सैड, हैप्पी हैप्पी, तो मैंने सब रख दिया है। मम्मी मम्मी मम्मी, ओ माय मदर माय माय माय, फ्रेंड्स कितनी तकलीफ हो रही है, हमको झेलना पड़ रहा है। सेफ है, ठीक, वाटर सेफ, किस तक कहाँ रखूँ, अब बोलूँगी नहीं, अब फटाफट करूँगी दिखाऊंगी। ये भी देखो लड़का मेरा यहाँ डाल के चला गया।
सुबह से इतना काम हो पाया है मेरा, सारे कपड़े समेट लिए मैंने, अब कुछ सुखाना नहीं है, बिस्तर भी नहीं सुखाना है, 4 दिन से बिस्तर सूख रहे थे, सब कुछ उतार लिया मैंने, कपड़े भी सारे बक्से के सुखा लिए हैं, सप्ताह के अपनी अपनी जगह पे रख दिए हैं, दीवार सूख जाएगी तब मैं रैक में लगाऊंगी सारे कपड़े, इसलिए मैंने अभी पूरे गट्ठर में बांध के रखे पड़े हैं। मसालदानी आज मैंने धोया था इसलिए मैंने इसमें सारे मसाले भर दिए हैं, भरते समय तो आप लोगों ने देखा था मैंने आज इसको धोया है, तो मैंने कहा कि इसको पूरे साफ से धो के फिर अच्छे से मसाला भर दूँ। दिवाली आ रही है थोड़ी, तो मैंने कहा कि सफाई भी करती रहूँ साथ साथ, वैसे जो होता है अच्छा ही। हमारे जैस कोई आ गया दरवाजे पे चिल्लाने लग गया, तो दिवाली आ रही है तो मैंने सोचा कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जी ने बारिश करी, अगर दीवार में मतलब इतना तराई ना होती, पानी ना बरसता, तो मैं शायद देखती भी नहीं कि कौन सी चीज़ ख़राब हो रही क्या हो रही है, तो भगवान जो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो इसके भी भगवान जी को थैंक यू कहूँगी, और इसलिए कि भगवान जी ने मेरी हेल्प करी, मैं भगवान जी से कोई नाराज़गी नहीं मेरी, जो होगा जब होना होगा हो जाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स मैंने ये सब जाली वगैरह सब साफ़ कर दिया है, पंखे सब साफ़ कर दिए, ये बहुत ऊपर पंखा है इसलिए मैं पहुँच नहीं पा रही थी, मैंने सुबह स्टूल लेके इसको झाड़ू से साफ़ किया, कपड़े से साफ़ नहीं कर पाई मैं इसको, तो मैंने झाड़ू से ही साफ़ कर दिया उससे, और चावल थोड़ा था तो मैं उसको साफ़ करने बैठी हूँ, उसको साफ़ कर लूँ फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद वॉशिंग मशीन में फुल कपड़े भरे पड़े हैं, मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही हूँ, वो आ जाए पति देव हमारे, तो फिर उनके भी कपड़े ले लूँ समेट लूँ, क्योंकि 2 अक्टूबर है उनको ऑफिस जाना है कल, 2 अक्टूबर उनके ऑफिस में मनाया जाता है, तो वो ज़रूर जाएंगे सुबह, तो वो वाइट ड्रेस पहन के जाएंगे अपनी पूरी, तो उनके कपड़े फालतू में निकलेंगे, तो मैंने सुबह संडे को मुझे बहुत काम भी है, पूजा पाठ, बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, थैंक यू भगवान जी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी बच्चों की, तो इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो आज 1 तारीख है तो ख़त्म हो चुके हैं, अब ये वॉशिंग मशीन में भरे हुए कपड़े हैं, पतिदेव आ जाए उनके कपड़े भी ले लें हम, फिर ये वॉशिंग मशीन चलाएं, और मैंने आपको गद्दे का कवर अपने दिखाया है, वाटरप्रूफ जो था वो जो पहला वाला गद्दा था वो मेरी शादी का गद्दा है, और जो दूसरा गद्दा है वो इसमें बिछा हुआ है, क्योंकि मेरे पति को थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ हम दूसरा गद्दा लेके आए हैं, तो वो इस्तेमाल वो करते हैं, तो वो उसका कवर था, तो वो मैंने धोया कम से कम 5-6 टब से धोया, लेकिन वो साफ़ होने का नाम ही नहीं, बहुत मिट्टी हो गई थी, कभी कभी देखते हैं नहीं आप लोग बिस्तर में जैस चढ़ जाता है तो थोड़ी धूल मिट्टी तो वो भी लेके जाता है, और आगे हमारे यहाँ रोड बनी नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड्स फाइनली इसका कवर भी धुल गया, क्योंकि इसका कवर भी मुझे बहुत ही टेंशन दे रहा था, और ये खिड़की के मतलब खिड़की जो ऊपर है ये सब मतलब ये सब मैंने चढ़ के ऊपर स्टूल से ये सब साफ़ किया, किचन में बहुत मतलब धूल ही खींचता है पंखा, और उस वाले कमरे में भी बहुत, तो मैंने इसको साफ़ क्लीन कर दिया है, इसको पंखे को भी क्लीन कर दिया है, और मेरा थोड़ा बहुत काम रह गया है बस, खाली जैसे जैसे मतलब दिवाली आएगी तो मुझे थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं साफ़ करना पड़ेगा, वैसे तो पलस्तर हुआ नहीं, आप साफ़ करो ना साफ़ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जो मतलब नियम है होता है वही मैं कर रही हूँ, कि थोड़ा थोड़ा साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे एकदम से सारा प्रेशर मेरे ऊपर ना पड़े, मैं थोड़ा थोड़ा साफ़ करती रहती हूँ, दिन भर लगी रहती हूँ अपना, तो किचन रह गया मेरा थोड़ा, आधे डब्बे साफ़ कर चुकी हूँ, जैसे कि शुरुआती महीने में सामान ख़त्म हो जाता है, तो नमक तेल मैक्रोनी ये सब ख़त्म हो गया था, तो मैंने सारा डब्बा निकाल के धो लिया, उसे क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद उसमें दूसरा सामान भर दिया, और ये सब भी मैंने साफ़ कर लिया, तो ये थोड़ी थोड़ी सफाई हो रही है, मेरे आगे के लिए हेल्प हो रही है, यानी फिर करवा चौथ आएगा, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, बहुत सारे त्यौहार आएंगे, मैं उसमें फंस जाऊंगी, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा ही थोड़ा मैं निपटाती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा क्लीन करती रहती हूँ, अब पहले मैं कपड़ा धो लूँगी, सुखाऊँगी, फिर मेरा वीडियो कंप्लीट होगा, आप देखिएगा, अभी के लिए तो मैं चावल बिनने जा रही हूँ। खाना तैयार हो गया हमारा, मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है आज,
पर आलू मटर की सब्जी गर्म हो रही है और बनाई है गर्मा गर्म पूरियाँ। दाल मिला है, दाल बन के बनी है, भिंडी की सब्जी बनी है और सुबह के लिए छोला भिगा दिया क्योंकि कल संडे है तो मैंने छोला और मटर मिला के बनाया है। और मसाला तो मैं सुबह तैयार करूँगी, फ्रेंड्स बनाया मसाला ख़त्म हो गया है मेरा, इसलिए थोड़ा तकलीफ होगी भैया, सुबह बहुत देर हो जाएगी। वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हैं और सुबह सुबह कपड़े फैला दिए जाएंगे और मेरे पति दिवा चुके हैं। हम लोग 11 बज रहे हैं रात के, 11 क्या 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। और बस आज के लिए इतना वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।